तो सबसे पहले भैया को कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू। और मतलब कितने दिन हो गए खुले हुए? 2 हफ्ता हो चुका है ना। 14 सितंबर। और सारे मॉडल मिल जाएंगे आपके पास? भैया से पूछते हैं भैया के शॉप में और दूसरों के शॉप में क्या क्या अंतर है। हालांकि वीवो का है बेस्ट, तो भैया बताइए। हमारे दुकान पे क्या है कि बाकी सभी मोबाइल दुकानों से सस्ते दामों पे उपलब्ध है, वीवो है। मतलब ये सब चीप रेट पे मिल जाएगा? बिल्कुल। साथ साथ एक्सक्लूसिव आइटम, मतलब अगर लॉन्च हुआ तो भैया के पास अवेलेबल हो जाएगा। और मेरा वीडियो देख के आते डिस्काउंट भी मिल जाएगा, बता देना भैया को। एड्रेस वगैरह भैया का स्टेशन रोड पे है और डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह सब दे देंगे। तो चलो आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं, जो टाइटल और थंबनेल में आप लोग देखा होगा। कर देना प्लीज इसे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आए हैं ईवीएस के इनॉग्रेशन में। आज ये हमारे ये तो टीवीएस रेडर के इनॉग्रेशन है, तो दिखाते हैं आपको पीछे। देखो पीछे लगा हुआ कंप्लीट इनॉग्रेशन हो चुका है और मैं यहाँ पे फिर से लेट पहुँचा हूँ, जैसा मैंने रॉयल एनफील्ड में पहुँचा था लेट। और उसका वीडियो कंप्लीट बना हुआ है, आप लोग को मिल जाएगा, आई बटन पे लिंक एंड ऑल सारा। और आते के साथ ही सारी बाइक्स बिक गई थी। अभी फिर से जैसा देखो दो निकली है, ब्लू एंड ब्लैक पे, तो उस पर आपको थोड़ा बहुत रिव्यू देंगे। हालांकि ब्लैक कलर का आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो आप लोग को डिमांड मैं पूरा ज़रूर करूँगा। और अभी उधर थोड़ा भीड़ है तो मैं बाद में जाऊँगा वहाँ पर, अभी फ़िलहाल आप यहाँ से कवर कर लो। तो ये अभी ब्लैक वाला खड़ा है और कंप्लीट जो ब्लू वाला है उस पर मैंने वीडियो दे दिया है। ये कंप्लीट आपकी ब्लैक वाली कलर है, जो आप लोग के डिमांड था, कमेंट सेक्शन में आ रहा था। फ्रंट लुक वगैरह तो आप लोगों ने देखा, एलईडीज़ वगैरह जो है कंप्लीट एलईडी सेटअप पे है, एंड साथ साथ डीआरएस जो है, तो एज ए रिजेम्बलेंस करते कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। बाकी टेलीस्कोपिक फोक्स वगैरह हो गया। टायर की बात करें तो 9100 का टायर, 17 इंच का अलॉय डिस्क ब्रेक, एंड साथ साथ समझो इतने ज़्यादा फीचर इसमें लोडेड है। कोई आपकी 125cc में इतनी लोडेड नहीं है, ये पॉइंट वाली बात है। रिगार्डिंग द टू मोड्स इंजन, जैसे कि पावर मोड एंड इको मोड आपको दिया हुआ है। उसके बाद TFT तो अभी लॉन्च नहीं हुई है, रिवर्स LCD लगी हुई है। TFT लॉन्च होगी तो उसमें आपका नेविगेशन एंड ऑल सब पता चलेगा आपको। रिगार्डिंग द नेविगेशन समझ में आ जाएगी, वॉइस असिस्ट वगैरह आपके फीचर्स न्यू आ जाएंगे। ब्लैक डिस्प्ले है, कलरफुल भी है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। न्यूट्रल इंडिकेटर हो गया, RPM वगैरह का लिमिटर तो नहीं, RPM इंडिकेटर। और एक और खास बात, हेलमेट रिमाइंडर का ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे होंगे। स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है, एंड ट्रिप भी वगैरह है, साथ साथ एवरेज वगैरह है, रेंज वगैरह कितना ट्रैवल होगा। इको एंड पावर मोड का बटन आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप रिफ्लेक्ट होगा, जैसा देखो पावर आ गई एंड इको मोड आ गई। तो होप सो आप लोगों ने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा, जिसमें आप लोगों ने अच्छा खासा रिस्पांस दिया है हमें। और साथ साथ एक और कंपैरिजन वीडियो बन गया है ग्लैमर के साथ, वो भी जाके चेकआउट कर लेना। प्रीमियम आपके जो लीवर्स है, मतलब रिगार्डिंग द क्लच लीवर एंड ब्रेक लीवर, वो सारे प्रीमियम दिए गए हैं। एक बार स्टार्ट करते हैं, एक बार साउंड सुनाते हैं आप लोगों को, हालांकि काफ़ी ख़तरनाक साउंड तो है ही। पूरी आप नॉइजी लेस स्टार्ट फीचर के साथ है, एंड साथ साथ पूरी हाई बेसी साउंड है, ऐसा सुनो आप लोग। कंप्लीट बेस में साउंड है और इंटेलिगो फीचर इसमें दिया गया है, तो वो आपके इको मोड में काम करेगा। इंटेलिगो फीचर यानी कि अगर बहुत देर तक आपकी बाइक स्टार्ट रहती है तो बंद हो जाएगी, एंड साथ साथ जैसे ही थ्रॉटल पुश करोगे आप लोग, थ्रॉटल लोगे वैसे आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्यूल इफिशेंसी बढ़ाने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। और पावर मोड वगैरह, तो पावर मतलब पावर इन द सेंस पावर मोड में थोड़ा सा ज़्यादा फील आएगा। राइड रिव्यू लिया नहीं है मैंने, राइड रिव्यू ज़रूर लेंगे बहुत ही जल्द। और चार्जिंग पॉड वगैरह का भी ऑप्शनल है, आप यहाँ पे दे सकते हो या फिर नहीं दे सकते हो, अभी आपको ऑप्शनल दिया हुआ है। ये टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 10 लीटर का टैंक कैपेसिटी है, कंप्लीट फाइबर में आपको दिया गया है टैंक इसका। बीच में ये पार्ट भी आप देखो,
और बाकी हॉर्स का लोगो एंड ऑल है, तो ये वाली मैं कम्प्लीटली ब्लैक वर्जन पे बनाऊंगा, हालांकि उस वाले पे बना हुआ है। हॉर्स का लोगो, इंटेलिगो फीचर है, ETFI रहता है, इकोथ्रस्ट FI, रेडर का लोगो देयर। एंड इस साइड आते हैं तो इस साइड भी आप लोग देख लो, लोगो एंड ऑल सब आपको दिख जाएगा, रेडर वगैरह का, हॉर्स वगैरह का लोगो एंड ऑल दिखेगा। और नीचे आते हैं तो कैटेलिटिक कन्वर्टर का कैटेलिटिक कैन वगैरह हो गया इस साइड, एंड आपकी इंटेलिगो फीचर का मार्क यहाँ पे आप देख सकते हो, TVS का इंजन, और TVS का मतलब मार्क, TVS का तो इंजन है ही, एंड साथ साथ नीचे इंजन काउल वगैरह आपको दिख रहा होगा। और पावर की बात करें तो 11.38 PS का पावर और 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। बाकी कंपनी बोलती है कि एयर एंड ऑयल कूल दोनों इंजन आपको दिया गया है। सिंगल सिलेंडर पे है इंजन 125 CC के लगभग, और लगभग इन द सेंस क्योंकि 124.8 CC है परफेक्ट डिस्प्लेसमेंट, बाकी 125 CC आप लोग कह सकते हो, और रेडर कह नहीं सकते हो, इन द सेंस बता दे रहा हूँ भाई, राउंड ऑफ हो जाता है तो उसे 125 ही बोलना। रेडर का मार्क इस साइड आप देख सकते हो, एग्जॉस्ट नोट वगैरह, सीट वगैरह वेल्ड कुशन है, काफ़ी अच्छी कुशनिंग है। इस सीट के नीचे आपको एक बॉक्स प्रेजेंट किया गया है जिसमें आप अपनी सामान वगैरह आराम से रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसका लॉक पीछे से खुलेगा। टेल सेक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी दिया गया, काफ़ी अच्छा लुक दिया गया, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये था इसका कंप्लीट टेल, और बाकी इंडिकेटर्स वगैरह भी काफ़ी ऑसम दिए गए हैं। और नीचे टायर की बात करें तो 100/90 का टायर है, 17 इंच का एलॉय व्हील है रेयर का, और बाकी 125 सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट है बॉडी एंड ऑल। और बाकी हमारा इसका क्या बोलते हो आप लोग, जो कंपैरिजन बोलते हो, वो कंप्लीट बना हुआ है, जाके चेकआउट कर लेना और कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई और के साथ कंपैरिजन चाहिए कि नहीं। और जो बाइक है वो कंप्लीट न्यू लॉन्च हुआ है, न्यू मॉडल पे लॉन्च हुई है। ब्लू वाले वो कवर नहीं कर रहे हैं, कॉज ब्लू का वीडियो बना हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, कॉज तो ब्लू वाले में दोबारा बना के टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। येलो कलर वगैरह आता है तो उसमें ज़रूर बनाएंगे। और इस साइड्स वगैरह से अगर आप लोग देखोगे तो काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन रोड में जो चलने में लगेगी वो आपकी येलो वाली ही अच्छी लगेगी, रोड प्रेजेंस बढ़ा देगी आपका। द विकेड राइड इसका टाइटल, एंड विकेट तो थोड़ी बहुत दिखती ही है, मतलब थोड़ी बहुत अलग है, फ्यूचरिस्टिक लुक भी है, डिस्क में है, रेयर वाला ड्रम में है, और बाकी ओवरऑल बोलोगे तो काफ़ी सही है, बैठोगे तो अच्छी भी लगेगी, 125 cc के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट आपका टैंक वगैरह है, टैंक वगैरह काफ़ी बल्की भी है। तो चलो अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं, आगे करते हैं। हालांकि आज इनॉग्रेशन हुआ है तो जैसे कि मुझे लेट हो गया आने में, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, इनॉग्रेशन का पार्ट आपको नहीं दिखा पाऊंगा, बट जितना आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब पार्ट आपको मिल जाएगा। CL TVS में ये वाला आपको अवेलेबल है, और CL TVS का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, जाके चेकआउट कर लेना आप लोग। तो एक बार मैं बैठ के आप लोग को दिखाता हूँ मेरे पे कैसा लगता है। ओवरऑल मैं बोलूंगा हाइट के हिसाब से परफेक्ट है, कोई दिक्कत का बात नहीं होगा, एंड साथ साथ इसका जो टैंक वगैरह है वो अच्छा खासा ग्रिप देगा, जैसे यहाँ पे देखिए। और इस साइड से अगर बोलोगे लुक वगैरह के मामले में तो काफ़ी सही आएगा, एडवेंचर इसका मतलब एडवेंचर पोस्चर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से बैठा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे आराम से पैर वगैरह रेस्ट हो जा रहा है। अब चलो इसका टेस्ट राइड लेंगे, फिर आप लोग को बताएंगे वीडियो में आगे, वीडियो को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अब चलिए आगे करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कॉस्ट 50K के बहुत ही ज़्यादा करीब है। चलो अब आगे निकलते हैं, हालांकि मीटर का डिस्प्ले तो काफ़ी सही है, रिगार्डिंग द इको एंड पावर मोड तो मैं आपको बार बार बता ही दिया हूँ, और ओवरऑल अगर बोलोगे मीटर तो अपडेट हो जाएगा, नेविगेशन वगैरह आ जाएगा, वॉइस असिस्ट वगैरह आ जाएगा, तो वो आपको आगे पता चल जाएगा जैसा अपडेट होगा। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है आपको लगभग पड़ेगा, कॉज अभी शोरूम पे कोई अवेलेबल नहीं है, इनॉग्रेशन के बाद सब अपने अपने घर के लिए निकल रहे हैं, तो अप्रॉक्स 1,03,000 से 1,05,000 के बीच में ही है, तो वह आप लोग कंफर्म कर लेना, नंबर वगैरह दिया हुआ है, कॉज मेरे को डाउट है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, तो एक बार आप लोग कंफर्म करके पता कर लेना, और साथ साथ सारी फैसिलिटी वगैरह पता चल जाएगी रिगार्डिंग द EMI, रिगार्डिंग द लोन, रिगार्डिंग द फाइनेंस। तो वीडियो करते हैं अब एंड, होप्स हो आपको थोड़ा बहुत भी रिव्यू जो मिल गया है पसंद आया होगा। सीट खोल के एक बार आपको मैं दिखाई देता हूँ, आपका डाउट भी दूर हो जाएगा, जैसा देख ही लो कंप्लीट, पीछे नीचे में ऑप्शन दिया है सीट खोलने का, जैसे यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, और कीज़ वगैरह भी काफ़ी प्रीमियम कर दी गई है, मैं क्रीज भी आपको दिखा दूँगा, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है, कुछ भी छोटा मोटा सामान आप अपना यहाँ पे आराम से रखो, कोई दिक्कत की बात होगी नहीं। और ये वाली आप पोर्शन देख रहे हो की का, काफ़ी ख़तरनाक, जैसा आपकी RC RS वगैरह में आता है,
चलो वीडियो करते हैं अब एंड, थंबनेल लेंगे फिर घर निकलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।